प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त स्वनिधि योजना के लाभार्थियों यूपी के स्ट्रीट वेंडर्स से सीधा संवाद कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं। से अपनी चीजों को बदलता है ये आपने दिखाया है मुझे, और इसलिए मैं आपकी इस कौशल्य को तो बहुत बधाई देता हूँ, और आपकी कमाई बहुत बढ़े, आपकी ऐसी बड़ी दुकान भी लग जाए और आपका नाम रोशन हो जाए, आपके ब्रांड बन जाए, तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं भैया जी। माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुमति से अब पीएम स्वनिधि योजना पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन होगा। पूरे देश में था कोविड 19 के अभूतपूर्व संकट के कारण लॉकडाउन। ऐसे में पटरी दुकानदार, ठेला और रेड़ी वालों ने संघर्ष और अनुशासन का परिचय देते हुए कई मुश्किलों के बावजूद कोरोना संकट से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। कौन सी ऐसी समस्या थी जो हम लोग को नहीं आई? सबसे बड़ी समस्या तो फुटपाथ वालों के लिए होती है कि पैसा आए तो रोटी खा लेगा, पैसा ही नहीं तो रोटी कहाँ से खाए। एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे, खाने पीने की प्रॉब्लम हो रही थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी समस्या को संजीदगी से महसूस करते हुए प्रारंभ की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। हमारे जो रेहड़ी वाले भाई बहन हैं, ठेला लगाने वाले हैं, पटरी पर सामान बेचने वाले हैं, जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, उन्होंने इस दौरान बहुत कष्ट झेले हैं। अब हमारा कर्तव्य है उन्हें ताकतवर बनाने का, उनके आर्थिक हितों के लिए कुछ बड़े कदम उठाने का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान पटरी दुकानदारों, रेड़ी वालों, ठेला लगाने वालों के परिवारों के भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता एवं राशन किट उपलब्ध कराई, एवं शहरी पथ विक्रेताओं के जीवन स्तर को सुधारने हेतु बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपए का ऋण दिया जा रहा है। प्रदेश के सभी शहरों में योजना का लाभ पहुंचाने के लिए अथक प्रयास किए गए हैं, साथ ही डिजिटल लेन देन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज ये शहरी पथ विक्रेता 10,000 रुपए के ऋण की सहायता से एक बार फिर आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वनिधि योजना जो चली है उसमें 10,000 रुपए का लोन मिला, तब मैंने अपनी दुकान का माल भरा। 10,000 रुपए से हमने अपना कारोबार डाल लिया। कारोबार में से हम सब कुछ मत पूछिए, इतने खुश हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से अब ये शहरी पथ विक्रेता आत्मनिर्भर होते हुए एक सकारात्मक भविष्य की ओर बढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के समस्त नगर निकायों में उपस्थित पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राहियों एवं विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कार्यक्रम का प्रसारण देख रहे लाखों लोगों को संबोधित कर मार्गदर्शन देने की कृपा करें। अभी जब मैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के सभी लाभार्थियों से बात कर रहा था तो ये अनुभव किया कि सबको एक खुशी भी है और एक आश्चर्य भी है। और पहले तो नौकरी पैसे वालों को भी लोन लेने के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे, गरीब आदमी रेड़ी ठेड़े वाला तो बैंक के भीतर जाने के भी नहीं सोच सकता था, लेकिन आज बैंक खुद चल करके आ रहा है, बिना किसी दौड़ भाग के अपना काम शुरू करने के लिए लोन मिल रहा है। आप सबके चेहरों पर ये खुशी देखकर मुझे भी बहुत संतोष हो रहा है। आप सबको आपके काम के लिए आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ने के लिए, यूपी और देश को आगे बढ़ाने के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जब मैं आज आप सबसे बात कर रहा था,
मैंने देखा कि बहुत कम पढ़ी लिखी और सामान्य गरीबी में जीने वाली हमारी बहन प्रीति कितने आत्मविश्वास के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी को भी सीख रही है, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है और पूरे परिवार को भी साथ लेकर के उनकी चिंता कर रही है। उसी प्रकार से जब बनारस के हमारे बंधु से मैं बात कर रहा था अरविंद जी से, तो अरविंद जी ने जो एक बात बताई वो सीखने जैसी है और मैं मानता हूं देश के पढ़े लिखे लोग सीखेंगे। वो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वो जो खुद चीजें बनाते हैं उसे एक चीज बेंट देते हैं, मुफ्त में देते हैं अगर अपने नियमों का पालन किया। देखिए कितना बड़ा एक छोटा व्यक्ति कितना बड़ा काम कर रहा है, इससे बड़ी क्या प्रेरणा हो सकती है। और जब हम लखनऊ के अंदर विजय बहादुर जी से बात कर रहे थे, यूं तो ठेला चलाते हैं लेकिन बिजनेस का मैनेजमेंट मॉडल कैसे समय को बचाते हुए काम को बढ़ाना, बहुत बारीकी को उन्होंने पकड़ा हुआ है। देखिए यही हमारे देश की ताकत है, इन्हीं लोगों से देश आगे बढ़ता है, इन्हीं के प्रयासों से देश आगे बढ़ता है। हमारे रेडी ठेले वाले साथी इसके लिए सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, मेरा आभार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन मैं इसका श्रेय सबसे पहले तो हमारे सभी बैंकों को, हमारे सभी बैंक कर्मियों की मेहनत को देता हूं। बैंक कर्मियों की सेवा भावना के बिना ये काम इतने कम समय में इतना बड़ा काम नहीं हो सकता था। हमारे बैंकों के सभी कर्मियों को मैं आज हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको भी जब ये गरीब के मन की भावना उन तक पहुंचती है तो उनका भी काम करने का उत्साह अनेक गुना बढ़ जाता है। इन सारे गरीबों के आशीर्वाद सबसे पहले उन बैंक के लोगों को मिलने चाहिए जिन्होंने लगातार मेहनत करके आपके जीवन को फिर से दोबारा आगे बढ़ाने के लिए मेहनत की है। और इसलिए आपके सारे आशीर्वाद शुभकामनाएं बैंक के लोगों को पहुंचे, यही मेरी कामना रहेगी। हमारे इस प्रयास से गरीब के त्योहारों में भी रोशनी फैली है, ये बहुत बड़ा काम है। कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, यूपी के सभी जिलों के जुड़ रहे स्वनिधि योजना के हजारों लाभार्थियों, सभी बैंक से जुड़े हुए महानुभाव और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये दिन आत्मनिर्भर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। कठिन से कठिन परिस्थिति का भी मुकाबला ये देश कैसे करता है, यूपी के लोग कैसे संकट से लड़ने की ताकत रखते हैं, ये दिन इसका साक्षी है। कोरोना ने जब दुनिया पर हमला किया तब भारत के गरीब को लेकर तमाम आशंका व्यक्त करते थे। मेरे गरीब भाइयों बहनों को कैसे कम से कम तकलीफ उठानी पड़े, कैसे गरीब इस मुसीबत से उभरे, सरकार के सभी प्रयासों के केंद्र में यही चिंता थी। इसी सोच के साथ देश ने 1,70,000 करोड़ रुपयों की गरीब कल्याण योजना शुरू की। कोई गरीब भूखा न सो जाए इसकी चिंता की। 20,00,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई तो उसमें गरीब के हित को, उसकी रोजी रोटी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। और आज हमारे देश के सामान्य मानवीय ने ये सिद्ध कर दिखाया कि वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी पलटने की ताकत रखता है। पीएम स्वनिधि योजना ने
गरीब के श्रम को ये सहयोग दिया है और आज हमारे रेहड़ी पटरी ठेले वाले साथी फिर से अपना काम शुरू कर पा रहे हैं, फिर से आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, देश ने 1 जून को पीएम स्वनिधि योजना को लॉन्च किया था और 2 जुलाई को यानी 1 महीने में ही ऑनलाइन पोर्टल पर इसके लिए आवेदन भी मिलने शुरू हो गए थे। योजनाओं में ये गति देश पहली बार देख रहा है। गरीबों के लिए घोषणाएं इतनी जल्दी प्रभावी तरीके से जमीन पर उतरेगी, ये भूतकाल को देखते हुए कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बिना गारंटी के किफायती ऋण के लिए इस तरह की योजना तो आजादी के बाद पहली बार बनी है। आज देश आपके साथ खड़ा है, आपके श्रम का सम्मान कर रहा है। आज देश सामाजिक ताने बाने में, आत्मनिर्भर भारत में, उस अभियान में आपके योगदान को भी पहचान रहा है। साथियों, इस योजना में शुरुआत से ही इस बात का ध्यान रखा गया है कि हमारे रेहड़ी पटरी वाले लोगों ने भाई बहनों को किस तरह की दिक्कत ना हो। शुरू में कई लोग इसलिए परेशान थे कि उन्होंने लोन लेने के लिए कौन कौन से कागज लगाने पड़ेंगे, क्या गारंटी देनी होगी। इसलिए ये सुनिश्चित किया गया कि गरीबों के लिए बनी अन्य योजनाओं की तरह ही इस योजना में भी टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। कोई कागज नहीं, कोई गारंटर नहीं, कोई दलाल भी नहीं और किसी सरकारी दफ्तर के बार बार चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं। एप्लीकेशन आप खुद भी ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं और किसी कॉमन सर्विस सेंटर, नगरपालिका कार्यालय या बैंक ब्रांच में जाकर भी आवेदन अपलोड करा सकते हैं। इसका परिणाम आज ये है कि किसी भी रेहड़ी पटरी वाले को, स्ट्रीट वेंडर को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए किसी दूसरे के पास जाने की मजबूरी नहीं है। बैंक खुद आकर पैसा दे रहे हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तो स्ट्रीट वेंडर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा राज्य, लेकिन रेहड़ी ठेले के काम के कारण अनेकों लोग अपने शहर में, अपने गांव में लोगों की आवश्यकता भी पूरी कर रहे हैं और कुछ न कुछ कमाई भी कर रहे हैं। यूपी से जो पलायन होता था उसे कम करने में भी रेहड़ी पटरी के व्यवसाय की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए पीएम स्वनिधि योजना का लाभ पहुंचाने में भी यूपी आज नंबर 1 है पूरे देश में। प्रधानमंत्री के इस संवाद पर वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।